अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना पढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी। कैमरा घुमाना एक बार तुम ही हो क्या क्या वो ना वो देखो वो ना वो नहीं वो नहीं वो क्या हुआ वो ना वो ना नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारुटिया और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज फिर वांटेड लोकेशन पे आपका भाई पहुंच चुका है और लोकेशन दोस्तों नहीं बोलूंगा क्योंकि आज के एक साल पहले मैं ऑलरेडी ये लोकेशन विजिट कर चुका हूं और कहानी यहां की जल्द से जल्द खत्म करूंगा। तो एक चीज सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं यार दोस्तों, इस लोकेशन पे आपका भाई अकेला नहीं आया, इस लोकेशन पे हम चार हैं। आज दो मेरे सब्सक्राइबर भी है, कुलदीप और ऋतिक जो कैमरे के पीछे खड़े हैं, और जो कैमरा है वो यूसुफ भैया चला रहे हैं। तो आपको एक चीज और बोलना चाहता हूँ यार भैया कि जो यूसुफ भैया है उनका ये खुद हॉन्टेड ब्लॉगर है। तो यार दोस्तों इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इनके चैनल को आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, बहुत खतरनाक खतरनाक लोकेशन ये भी विजिट करता है। तो सबसे पहले इस लोकेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस लोकेशन पर दोबारा क्यों आया हूं। उसका कारण है मेरे सब्सक्राइबर कुलदीप और ऋतिक। प्लीज भैया आ जाओ एक बार। नमस्कार भैया, ये ऋतिक भी है और ये कुलदीप भी है। तो यार दोस्तों आज से सही दो दिन पहले इन्होंने मेरे से कांटेक्ट करा कि यार जितेंद्र भैया एक लोकेशन है जो हमारे गांव के बिल्कुल 40 किलोमीटर दूरी पे ही है, और इस लोकेशन पे एक बात और बता दूं, यहां से 7 किलोमीटर दूर गांव है और यहां पे मैं इस साइड से आया हूं, यहां मेरी गाड़ी खड़ी है पास में। इस लोकेशन पे किसी की भी हिम्मत नहीं है जो इस लोकेशन पे आ जावे। यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे एक नर पिशाच है और मैंने कैमरे में भी वो पहले शूट कर लिया। अगर वो किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। अब मैं इनके मुंह से आपको कहलवाता हूँ ये लोकेशन कैसी है। भैया आप बताओ क्यों मेरे को बुलाया आपने, क्या कारण है? भैया आपको बुलाने का जो यहाँ का मकसद है, यहाँ पे अभी 7-8 दिन पहले कुछ घटना हो गई थी। अच्छा, तो किसी की मौत वगैरह हो गई थी यहाँ पे, तो इसलिए हम पास के रहने वाले गांव के, और इसलिए आपको मतलब विजिट करने के लिए आपको वो मैंने भी देखा था पहले। तो एक बात ये बताओ कि ये पहली घटना है, इससे पहले भी बहुत घटनाएं बीच में भी हुई, क्योंकि मैं शूट करके गया था जब भी 4-5 घटनाएं हो चुकी थी, उसके बाद भी काफी घटना हो गई, इसलिए मैंने आपकी वीडियो देखता हूँ मैं। अच्छा, आपको फॉलो भी करता हूँ ज्यादा, तो मैंने सोचा बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमारे को आप फॉलो करते हो। दोस्तों भाई का प्यार है जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, करीबन एक साल हो गया इनको मेरे को फॉलो करते हुए। तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, सीधा लोकेशन पे लेके चलता हूँ। और सबसे बड़ी बात है इनको सलाम है दोनों भाइयों को जो इस लोकेशन पर रात को मेरे साथ में अकेले आए हैं। बिल्कुल कुछ है, चलो सुना कुछ हो गई। आ जाओ भैया, देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर आते हैं साथ में, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, जो सेफ्टी थी वो जेब में है, पक्का है, कंफर्म, ठीक है। और दोस्तों एक चीज और बोलना चाहता हूँ, इस लोकेशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस लोकेशन पे मैं बजरंगबली को बिल्कुल सामने रख रखा है, क्योंकि मेरा दिल जानता है इस लोकेशन को विजिट मैंने पहले कैसे करा था। आ जाओ भैया, सबसे पहले मैं लोकेशन दिखाना चाहता हूँ। यूसुफ भैया एक बार इधर आ जाओ। ये एक नहर है दोस्तों, और गांव का रास्ता बिल्कुल पास में से निकलता है इधर से एक रास्ता, जो पास में एक लाइट भी दिख रही होगी सामने शायद आपको, वही वो गांव है, वहां से ही मैं आया हूँ अभी इधर। तो एक बार नीचे उतर के बात करते हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, पास में रहो मेरे, आप दूर मत रहो। दोस्तों मैं इस
लोकेशन पे आ गया, इसलिए इसकी जानकारी बहुत अच्छे से दे सकता हूँ आपको मैं। आओ भैया, ये नहर है एक और यहाँ पे एक पुल है। उस पुल के आज के करीबन 10 से 12 साल पहले एक घटना हुई थी। उसके बाद में बोलते हैं कि जो रूह है, जो आत्मा है, नरपिशाच का रूप ले चुकी है वो, और वही लोगों को परेशान कर रही है। कई लोग हादसे का शिकार हो गए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो लोग ड्रिंक करते हैं सबसे पहले उनको जानकारी मिली उनके साथ में हादसे हुए, उसका सबूत भी होगा शायद, वो दिखाऊंगा मैं आपको। अब एक चीज़ और बोलता हूँ, ये जो नहर है यहाँ बंद होने का कारण मैं बता दूँ, ये एंड हो चुका है इस तरफ। इसका कारण है, जब ये नहर बन रही थी तो उसी समय यहाँ पे हादसे हुए। जो मजदूर रुके थे यहाँ पे उनके साथ में भी हादसे हुए, यहाँ से रातों रात भग गए थे। अब ज़्यादा टाइम मैं ख़राब नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी 12:30 हो चुके हैं यहाँ पे। आ जाओ भैया, कुलदीप भैया पास में रहो, आ जाओ। जो हादसे का शिकार हुआ उसकी डेथ हो गई या बीमार है या क्या है? वो तो खत्म हो गया बिल्कुल। अच्छा, तभी तो मैंने आपकी वीडियो देखता हूँ ना, मैंने इसलिए आपको बुलाया, मतलब क्या चीज़ है पता लगाया उसका। दोस्तों यार, ये बहुत दुख की बात है कि 7 दिन पहले किसी आदमी के साथ में यहाँ पर घटना हुई, उसकी डेथ हो चुकी है। आ जाओ, सामने की तरफ लग रही है, पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो, सामने ही है, सामने ही है बिल्कुल। देखो वो, देखो वो चीज, देखो गायब हुई। देख कैमरे में क्या पता वो चीज आई नहीं आई, बाकी बिल्कुल मेरे आंखों के सामने वो कुछ ब्लैक शेडो दिखा था ना भैया, कुछ तो है ना वो सामने, देखो एक बार ये पास में हो। कोई ना कोई तो है वहाँ। उधर गया भैया नीचे की तरफ। यार दोस्तों, मैं दावे के साथ में नहीं कह सकता हूँ, जैसे आगे जा रहे हैं कुछ आवाजें आई है अभी, और जो ब्लैक शेडो दिखी थी वो ऐसा लग रहा जैसे आगे पुल के साइड में गया कोई। मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कैमरे में हुई ही नहीं हुई शूट। मैं आ चुका हूँ खुद, मैंने शूट करा था, मेरे कैमरे में कैप्चर हुआ था वो। ये तो लग रहा भैया, मैं फिर बोल रहा हूँ सेफ्टी है ना। हाँ, सेफ्टी है भैया, क्योंकि मैं 10 बार पूछूंगा ये चीज़। हाँ, भले मेरे कोई भी ऑडियंस है उनको बुरा लगे तो लगे, मगर मैं पूछूंगा आपसे। आ जाओ भैया, फिर आवाज सुनी। हाँ, कितनी खतरनाक आवाज थी, इधर से आ रही थी आवाज। आओ भैया आओ। दोस्तों एक चीज में मैंने जो वीडियो में बोला है, ये वो ड्रिंक के सबूत है जहाँ पे लोगों के साथ हादसे हुए। रात में कई ड्रिंकर थे, उनके साथ में ही सबसे पहले हादसे हुए थे। आओ भैया, उस लोकेशन पे खड़े हैं जहाँ पे सबसे पहले मैं वापस इनको सलाम करता हूँ। ये उस लोकेशन पे खड़े हैं जहाँ पे लोग शाम के टाइम भी नहीं आते यहाँ, और उस एक मिनट रुको कुलदीप भैया, एक मिनट। क्या
वो नरपिशाच हमारे आसपास है। अगर वो चीज हमारे आसपास है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो हमारे सामने आए, और ये जगह आपकी है, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए। आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे, हमारे पीछे नहीं आओगे। केवल मैं एक वीडियो बनाने वाला बंदा हूं और केवल मैं देखने के लिए आया हूं। भैया इधर भैया वापस पीछे से आवाज आई मुझे, इधर आओ जल्दी। मैं कैमरा घुमाना एक बार। ओ भैया वो कैमरा, ओ भैया पूरा मुझे डर लगा। भैया भैया शांति रखो, डरो मत, डरो मत भैया। जूम करो भैया, जूम करो, हाँ बिल्कुल जूम करो। वो देखो वो सामने खड़ा, फुल जूम है भैया। तुम डरो मत कुलदीप भैया, मेरे पास में हो, मेरे पास में हो। तुम डरो मत, मेरे साथ रहना, अलग होते ही गड़बड़ हो जाएगी भैया। देखो हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं है, मुझे पता है ये जगह आपकी है और हमारा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम आपके पास में आ रहे हैं भैया, ऊपर चलो एक बार, जो होगा जो देख लेंगे, डरना नहीं है अपने को। रुको भैया रुको रुको रुको, कुलदीप कुलदीप, अरे नहीं ये साथ चलते थे। एक मिनट रुक यार, कोई चीज, कोई साधारण चीज थोड़ी जो भग रहे हो यार तुम आगे। लगता भैया डर गया जी। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, वो चीज़ थी यहीं की और वो गांव जहाँ से मैं आया हूँ। भैया सामने दिखाओ एक बार, भैया वही गांव है, इस गांव से होते हुए इधर आया हूँ भैया। यार कुछ भैया मत कर यार, कुछ ज़्यादा खतरा है, डरो मत, साथ रहो। एक बार इधर दिखाना भैया, वो ना वो देखो, वो देखो, वो देखो, ये चीज मैंने पहले भी कैप्चर करी थी और आज भी वहीं खड़ी है। मैं थोड़ा पीछे हूँ एक सेकंड। कुलदीप भाई आप क्या ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ ज्यादा गलती मत करो, ये चीज बहुत कोई साधारण चीज नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये बहुत खतरनाक ही हो चीज। देखो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपकी तकलीफ क्या है। अगर आपकी कोई तकलीफ है, आप लोगों को क्यों दिखते हो, क्यों नुकसान पहुंचाते हो? मैं एक बार आपके पास में आ रहा हूँ, ठीक है? आप यहीं रुकोगे, कहीं गायब होने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है? मैं आपके पास में आऊंगा बिल्कुल, और आपसे आपकी जो तकलीफ है वो हमें बता सकते हो। इधर से भैया, यार समझ में नहीं आ रही वो चीज अपने से दूर। अरे यार कुलदीप भाई, ये बजरंगबली की शक्ति के कारण वो चीज पास में नहीं आ रही अपने, इसलिए वो रुक नहीं रही है। भैया बोलो, ओ भैया बोलो बोलो, कुलदीप ओ नहीं, ओए ओए क्या हुआ घबराने की जरूरत नहीं है भैया। भैया आगे बच्चो भैया, अरे तू चीज क्या है यार, तेरे पास में आना जा रहे हम। ओए कुलदीप 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 भाई नहीं नहीं एक मिनट,
एक मिनट, तुम इधर आओ, तुम आगे मत जाओ, वो पागल हो गया यार। भाई कुलदीप, ओ भाई रुके, तुम मत लो रिक्स यार, वो कुलदीप पागल है यार, रिक्स ले रहा बहुत बड़ी। भैया कुलदीप, कुलदीप भैया, कुलदीप इधर आओ, ओ कुलदीप, ओ भाई ब्लड आ रहे इसके, मैंने कहा था यार मत भागे भाई यार। कुलदीप, कुलदीप भाई, कुलदीप, कुलदीप भाई उठ, कुलदीप इसके सीने देखो एक बार सांस चल रही है क्या, सांस देखो पहले, सांस चेक करो भैया, धड़कन तो चल रही है। कुलदीप भैया अरे यार भैया चलते हैं, वे कैमरा घुमाना एक बार आसपास है क्या, देखिए कुलदीप भाई, कुलदीप भाई वीडियो स्टॉप करो, वीडियो स्टॉप, वीडियो।